तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 जुलाई को ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी ट्रिपल आईटीएम के दीक्षा समारोह में शामिल होने के लिए आ रही हैं। राष्ट्रपति पहले जयविलास पैलेस म्यूजियम देखने के लिए पहुंचेंगी। प्रदर्शनी राजे सिंधिया के ट्रस्ट की ओर से यह विशेष कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत यहाँ से राष्ट्रपति ट्रिपल आईटीएम पहुंचेंगी और दीक्षा समारोह में भाग लेंगी। राज्य शासन की ओर से प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट को मिनिस्टर इन वेटिंग नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति की अगवानी में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित अन्य माननीय व उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दो हिस्से हैं प्रमुख रूप से। एक वो म्यूज़ियम आ रही हैं, जयविलास पैलेस की जो म्यूज़ियम है वहाँ पे आएंगी और वहाँ पे म्यूज़ियम देखने के बाद संक्षिप्त एक चर्चा सी भी है कुछ बच्चों के साथ और उसके बाद एक राउंड के पश्चात चली जाएंगी ट्रिपल आईटीएम और ट्रिपल आईटीएम में 10 गरीब बच्चों को पुस्तक का सेट दिया जाएगा और उसके बाद कॉन्वोकेशन है। कॉन्वोकेशन मतलब और जो डिग्री मिलती है अलग अलग किस्म ना मेरिटोरियस लोगों को, बाकी लोगों को, वो कार्यक्रम है कुल मिला। जैसे कि आपको मालूम है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय का विजिट ग्वालियर में परसों प्रस्तावित है, इसको लेकर के भारी पुलिस का व्यवस्था भी किया जा रहा है। बाहर से अधिक संख्या में अधिकारी गण भी आ चुके हैं, भारी संख्या में पुलिस बल हमको मिल चुकी है। एक रिहर्सल अधिकारी के साथ आज हमने किया है, कल भी एक रिहर्सल करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये VVIP विजिट अच्छे से संपन्न होगी।